हेलो स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ मिश्रा, आपका टीचर एंड गाइड। आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन चैनल में जिसका नाम है कॉमर्स एकेडमिक पॉइंट। स्टूडेंट, शुरू करते हैं अपने न्यूमेरिकल एग्जांपल को। और सबसे पहला न्यूमेरिकल एग्जांपल हम लोग कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स एट पार का क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पर वो क्वेश्चन अब चलना चालू हो गया होगा, आप उसे चाहे तो रोक करके लिख भी सकते हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को और क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है। कैप लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच पेबल एज फॉलोज। सबसे पहले जिन जिन चीजों को इंपॉर्टेंट है वो हम लोगों ने मार्क कर लिया यहां पर बोल्ड लेटर में। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ शेयर्स है 10,000 और पर शेयर्स की जो कीमत है वो है ₹10 प्रति शेयर्स। यानी आप देख सकते हैं 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, लेकिन वो रिसीव कैसे हो रहा है वो सारे स्टेप्स हमने यहां पर लिखे हैं। ₹3 ऑन एप्लीकेशन, यानी ₹3 एप्लीकेशन के साथ प्रति शेयर्स, यानी हर शेयर्स पे ₹3 एप्लीकेशन के साथ। फिर ₹4 ऑन अलॉटमेंट, यानी ₹4 ऑन अलॉटमेंट प्रति शेयर्स, हर शेयर्स पे ₹4 वो ऑन अलॉटमेंट पे रिसीव कर रहा है। ₹2 वो फर्स्ट कॉल पे रिसीव कर रहा है, वहां पर आप कॉल समझेंगे, फर्स्ट कॉल पर रिसीव कर रहा है ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल। और लास्ट में यानी जो ₹1 बच गया, आप टोटल ऐड करके भी देख सकते हैं, 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल, यानी 4, 3, 7, 2, 9, और ₹1 जो बच गया वो लिख भी रहा है यहां पर ₹1 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल, और नीचे लिख रहा पास द जनरल एंट्रीज। यानी अब इन्हीं सारे पैसे के आने के टोटल एंट्री को हम लोग को जनरल एंट्रीज के फॉर्म में रिकॉर्ड करनी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे। सबने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इशू ऑफ शेयर्स एट पार का ये क्वेश्चन था जिसके अंदर हम लोगों ने प्रीमियम का कुछ भी नहीं डाला था, सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन अब उसके कैलकुलेशंस कैसे करें, क्योंकि एंट्रीज हम लोगों ने कल वाली क्लासेस के अंदर सीख रखी है, बस उसकी एंट्रीज सीखनी है, उसकी कैलकुलेशन सीखनी है। सबसे पहले मैंने कल भी आपको डिस्कस किया था कि सबसे पहले आप जो एंट्री पास करते हैं वो एंट्री होती है जो पैसा एप्लीकेशंस के साथ आ रहा है। आप फिर से देखिए हमारी एंट्रीज के अंदर, सबसे पहले हम लोगों ने एंट्रीज कराए हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मैंने ये भी आपको बता दिया कि क्वेश्चन में जब तक कुछ ना बोले, जैसे कि हमारे इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला था, तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर इक्विटी शब्द का प्रयोग किया है शेयर कैपिटल के आगे, शेयर एप्लीकेशन के आगे, और जहां जहां भी शेयर हम लोग शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं उसके आगे इक्विटी शब्द का प्रयोग किया है। अब ध्यान से देखिए, हम लोगों ने कहा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये एंट्री कल भी हम लोगों ने सीख रखी थी, आज हमें यह सीखना है कि सर इसके कैलकुलेशंस कैसे होंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि 10,000 शेयर्स बाजार के अंदर कंपनी ने क्या किया है, ऑफर किया, और एप्लीकेशन के टाइम पर ही, क्वेश्चन पढ़ते वक्त भी आपने देखा ₹3 प्रति शेयर्स, वो एप्लीकेशन के समय ही पब्लिक से कह रहा है कि जिस दिन आप एप्लीकेशन भेजिएगा उस दिन आप ₹3 साथ में भेजिएगा। अब 10,000 शेयर्स पर कंपनी अगर ₹3 प्रति शेयर एप्लीकेशंस के नाम के साथ अगर पैसा पा रही है तो क्या हो गया, 10,000 शेयर्स इनटू 3 यानी टोटल ₹30,000, यानी कंपनी के पास एप्लीकेशंस के नाम पर पूरे कितने रुपए आ गए, पूरे ₹30,000 आ गए, पूरे पैसे नहीं आए। 10,000 शेयर्स कितने का निकाला गया था, ₹10 का निकाला गया था। अगर ₹10 के हिसाब से आप देखें तो टोटल हो जाता है ₹1,00,000, लेकिन ₹1,00,000 पूरा नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि कंपनी स्टेप वाइज पैसे ले रही है। कंपनी ने कहा एप्लीकेशन के समय हमें आप ₹3 दे दीजिएगा प्रति शेयर्स, तो 10,000 शेयर्स पर अगर एप्लीकेशंस आ रहे हैं तो ₹3 प्रति शेयर्स, टोटल पैसा कंपनी के पास एप्लीकेशंस के नाम का कितना आ गया, ₹30,000। और फिर ये एंट्री हम लोगों ने सीखी हुई थी, डेबिट में जो पैसा जा रहा है वही क्रेडिट में भी आ रहा है, ये तो नियम आप पहले से भी जानते हैं। यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में 30,000 से ये वाली एंट्री हम लोगों ने कर ली। अब इसके आगे बढ़ते हैं, अब इसके आगे हम लोग कल ही ये सीख चुके थे कि जो भी पैसा शेयर एप्लीकेशंस में आ रहा है वो शेयर कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों, क्योंकि शेयर एप्लीकेशन एक प्रक्रिया है, पैसा तो कैपिटल के नाम पर आ रहा है, इसलिए हम लोगों ने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को कहां ट्रांसफर किया, हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वही रुपया जो ऊपर हम लोग को मिल रहा था, जो यहां मिल रहा था वही 30,000 हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया। यानी बड़ा सिंपल है, कैलकुलेशंस आपको आज सिखाना मेरा पर्पस था। कैलकुलेशंस में आप देख सकते हैं 10,000 इंटू 3। आगे की एंट्री अब चलते हैं हम लोग अलॉटमेंट पे।
अलॉटमेंट पे भी हमने आपको सिखा रखा था कि पहले हम पैसा ड्यू करेंगे तब रिसीव करेंगे। आके देखिए एंट्री वापस, अगर आपने कल रिविजन्स करा होगा मैं आपको दिखा दूं कि अगर आपने रिविजन्स किया है तो ये देखिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये ड्यू वाली एंट्री है। लेकिन अब इसके अमाउंट के ऊपर हम लोग चर्चा कर ले। अमाउंट देखिए क्या दे रहा है, यहां पर अमाउंट दे रहा है कि आप यहां पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट 10,000 शेयर्स, और कितने रुपए मांगे गए अलॉटमेंट के टाइम पर, 4 रुपए प्रति शेयर्स। तो आप कैलकुलेशन फटाफट कर सकते हैं कि 10,000 शेयर्स पर अगर हम 4 रुपए से मल्टीप्लाई कर दें तो कंपनी के पास अलॉटमेंट में मांगने के लिए टोटल हो जाते हैं 40,000 रुपए। कंपनी वही ड्यू एंट्री कर रही है, कंपनी कह रही है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और वो 40,000 से उस चीज की एंट्री कर रही है 10,000 × 4 = 40,000। और फिर आपको ये भी पता है कि जब ये पैसा आ जाता है तो मिलने वाली यानी रिसिप्ट एंट्री बैंक कंपनी कर लेती है, और वो रिसिप्ट एंट्री है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 40,000 उसने वापस से रिसिप्ट वाली एंट्री में इसकी रिकॉर्डिंग कर ली। यानी हम लोगों ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एंट्री पहले से सीख रखी थी, आज हमने आपको ये कैलकुलेशन सिखाया पार वाले क्वेश्चंस के अंदर, ताकि जब क्वेश्चंस करें तो भी आपको समझ आए। यानी जितने शेयर्स उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एप्लीकेशन मनी है तो एप्लीकेशन मनी, शेयर अलॉटमेंट मनी है तो शेयर अलॉटमेंट मनी, और कॉल्स है तो कॉल्स। अब इसके आगे हम लोग कॉल्स के ऊपर जा रहे हैं। एंट्रीज हैं अब शेयर फर्स्ट कॉल की और शेयर सेकंड कॉल की, हमने 2 कॉल कर रखे हैं इसके अंदर। यानी सबसे पहले कंपनी ड्यू करेगी शेयर फर्स्ट कॉल को, फिर उसके पैसे लेगी, उसके बाद कंपनी ड्यू करेगी शेयर सेकंड कॉल, क्योंकि ये सेकंड कॉल इस लिस्ट के साथ हम लोग क्या शब्द का प्रयोग करेंगे, सेकंड एंड फाइनल कॉल, और उसके बाद उसके पैसे मिलने की एंट्री होगी। तो एंट्री ऑलरेडी हमने समझ रखी है। जिन बच्चों ने डायरेक्ट इस वीडियोस को देखा है तो प्लीज जाए वो पहले एंट्री समझें, उसके बाद आकर के ये वीडियोस को देखेंगे। अब ध्यान दीजिए यहां पर, अब सेकंड फर्स्ट कॉल, सबसे पहले फर्स्ट कॉल का वो ड्यू एंट्री कर रहा है। ड्यू एंट्री आपको पहले से पता है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी ये ड्यू हो गया, पैसा कंपनी मांग रही है। उसके बाद उसने यहां पर क्या लिख दिया, 20,000 20,000, लेकिन ये 20,000 आया कैसे, जैसे सारे कैलकुलेशन हो रहे हैं कैसे हो रहे हैं, 10,000 शेयर्स हैं, 2 रुपए का प्रति शेयर्स वो फर्स्ट कॉल पे रुपया मांग रही है, इसलिए टोटल कितना हो गया 20,000 20,000। फिर यही पैसा जब मिल रहा यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, तो ये 20,000 रिसीव कर ले रही है। यानी आपको कैलकुलेशन बिल्कुल समझ आ गया, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू जो भी एप्लीकेशन है मनी है, जो भी अलॉटमेंट मनी है, जो भी फर्स्ट कॉल है, जो भी सेकंड कॉल है, आप मल्टीप्लाई करते चलिए और आपको पैसे मिलते चल रहे हैं और आप रिकॉर्ड करते चल रहे हैं। लास्ट यानी इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये ड्यू एंट्री है। इसके अंदर कंपनी लास्ट कॉल यानी सेकंड एंड फाइनल कॉल के पैसे मांग रही है। मांगते समय उसने देखिए क्या किया है, 1 रुपए प्रति शेयर्स थे उसके, तो 10,000 × 1 रुपया और क्या, और टोटल आ गया इसका 10,000 रुपए। यानी 10,000 रुपए से पैसे इसने अपने ड्यू एंट्री कर ली, और उसके बाद वही वो एंट्री कर रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, जिसमें 10 रुपया प्राप्त कर रही है। यानी ये बड़े सिंपल एंट्री थे। आज ये न्यूमेरिकल्स कराने का बस मेरा मकसद ये था कि बेसिक्स में आपको वो पता चल जाए कि ये कैलकुलेशन हम लोग करते कैसे। दूसरी चीज, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे 10,000 × 2 किया है, ये आपको एग्जामिनेशन में करने की जरूरत नहीं है, ये आप रिविजनरी पर्पज के लिए अपने पास रख सकते हो, एग्जामिनेशन में आप फटाफट लिख सकते हो, क्योंकि इतने टफ कैलकुलेशन नहीं है। लेकिन आपको बस समझाना मेरा उद्देश्य था, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स में ये कर करके दिखाए। मैं हर क्वेश्चंस में ब्रैकेट में करके दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चले ये कैलकुलेशंस होते कैसे हैं। बाकी बिल्कुल ये सिंपल है, यानी आप अब इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझ चुके हैं कि जब भी क्वेश्चंस पार पर इशू होंगे तो आपको कैसे क्वेश्चंस को करना है। अब हम लोग प्रोसीड्स कर रहे हैं कि अगर क्वेश्चंस में प्रीमियम है, यानी कल जो हम लोगों ने प्रीमियम वाली एंट्री को डिस्कस कर रहा था, उसका एक न्यूमेरिकल अब हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके एक न्यूमेरिकल को यहां पर सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रीमियम वाले क्वेश्चंस को। अब न्यूमेरिकल एग्जांपल हम लोगों को करना है सिक्योरिटी प्रीमियम पे, जब शेयर इशू होते तो कैसे होगा, यानी इशू ऑफ शेयर्स ऑन प्रीमियम, यानी प्रीमियम के ऊपर जब होगा उसके क्वेश्चंस को करते हैं। तो सबसे पहले उस क्वेश्चंस को आप पढ़ लीजिए, आपके स्क्रीन पर वो क्वेश्चन आ रहा है, फिर हम लोग उसको प्रोसीड करेंगे न्यूमेरिकली सॉल्व करके। यानी आप अपने क्वेश्चंस को पढ़िए, आप चाहे तो इस क्वेश्चन को लिख भी सकते हैं। और आप देख रहे हैं यहां पर क्वेश्चंस के अंदर कह रहा है कैप लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। देखिए रेड कलर में लिखा हुआ है एट प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। आप चाहे तो पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए, तब आगे ही आप जाइएगा, ताकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते वक्त, रिविजन करते वक्त आपके पास क्वेश्चन भी मौजूद हो। यानी कि
10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 10 रुपए का शेयर है लेकिन एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, यानी ये टोटल शेयर्स की जो कीमत हो गई बाजार के अंदर इशू प्राइस हो गई वो हो गई 12 रुपए के। और ये कैसे कंपनी रिसीव कर रही है, पेएबल एज फॉलोज, कह रहा है कैसे पे करना है किसी भी एप्लीकेंट्स को, 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, रुपीज 6 ऑन अलॉटमेंट, और क्वेश्चन ब्रैकेट के अंदर देखिए साफ लिख रहा है इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर ढंग से आपको बता रहा है कि प्रीमियम का जो पैसा रिसीव करना है वो अलॉटमेंट के साथ रिसीव करना है। और लास्ट में हमने इस क्वेश्चन के अंदर एक ही कॉल रखा है, 3 रुपीज ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगर आप टोटल पैसा जोड़ने की कोशिश करें, यानी 3 रुपए एप्लीकेशन पर, 6 रुपीज यानी 6 रुपए आपके अलॉटमेंट पे, टोटल ऐड करेंगे तो आपके 9 रुपए हो जाते हैं, और 3 रुपए जो बच रहे हैं वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर रिसीव कर रही है कंपनी, यानी मांग रही है उसके बाद वो रिसीव कर लेगी। पास द जनरल एंट्रीज, यानी अब इसके जनरल एंट्रीज आपको पास करने हैं, तो अब हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स बोर्ड पे सॉल्व करके देख रहे हैं, आइए इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो आपने सिक्योरिटी प्रीमियम वाले क्वेश्चंस को भी पढ़ लिया, अब आपने उसमें देखा होगा कि क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या कर दिया गया, 2 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है कंपनी, यानी कि 10 रुपए के शेयर्स को 12 पर निकाल रही है, वो क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़ लिया। अब समझिए कल वाली क्लास के अंदर भी, यानी इससे पहले के रिकॉर्डिंग्स में भी हमने आपको ये बिल्कुल क्लियर समझाया था कि पूरे क्वेश्चंस में जहां जहां सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव होगा उस एंट्री में ड्यू एंट्री के साथ, याद रखिए कौन सी एंट्री, ड्यू एंट्री के साथ, यानी जहां शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है वहीं पे सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होगा, और अगर वो एप्लीकेशन के साथ आता है तो उसके ट्रांसफर एंट्री में करेंगे, क्योंकि उसके ट्रांसफर एंट्री में हम लोग शेयर कैपिटल को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब एक अजम्पशन ध्यान से आप समझ लीजिए, अगर क्वेश्चन आपको बताता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम किस एंट्री के साथ रिसीव हो रही है, यानी वो एप्लीकेशंस के साथ रिसीव हो रही है या फिर वो अलॉटमेंट के साथ रिसीव हो रही है या फिर वो कॉल्स के साथ हो रही है, तब तो हम उनके हिसाब से उनके ड्यू एंट्री या फिर ट्रांसफर एंट्री में कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन अगर साइलेंट है, क्वेश्चन ये तो बता रहा है कि भैया प्रीमियम आ रहा मगर ये नहीं बता रहा है कि वो प्रीमियम किसके साथ आ रहा है, तो फिर वैसी परिस्थिति में हम लोग जो प्रीमियम रिसीव करेंगे वो मानेंगे कि हम प्रीमियम किसके साथ रिसीव कर रहे हैं, शेयर अलॉटमेंट के साथ कर रहे हैं। ये अजम्पशन अपने दिमाग में कहीं लिख लीजिए वीडियो पॉज करके कि शेयर अलॉटमेंट के साथ हम सिक्योरिटी प्रीमियम के ट्रीटमेंट करेंगे, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट कि किसके साथ वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हो रहा है। अब पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम लोग सॉल्व करते हैं, मैं दिखाऊंगा मोस्ट ऑफ द एंट्रीज जिसके साथ सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है वो बिल्कुल सेम टू सेम है जो अभी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में पार में किया था। अब सबसे पहली एंट्री हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन में आपने देखा होगा क्वेश्चन क्लियरली बता रहा था इस बार कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोग रिसीव कर रहे हैं वो शेयर अलॉटमेंट के साथ हो रहा है, यानी 6 रुपए बोल रहा है क्वेश्चन, 6 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी प्रीमियम का जो पैसा वो शेयर अलॉटमेंट के साथ है, तो हम लोग शेयर अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम करेंगे। लेकिन एप्लीकेशन और कॉल्स उनकी एंट्री बिल्कुल सेम होने वाली है, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने एक ही कॉल्स रखा है, चाहे तो आप मल्टीपल कॉल्स कर सकते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन पर हम लोगों ने करा था। आप ध्यान से देखिए, आप सबसे पहले क्या रिसीव कर रहे हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 10,000 शेयर्स 3 रुपए प्रति एप्लीकेशन पर आप पर शेयर्स पे आप 3 रुपए रिसीव कर रहे हो, आपने 30,000 कर लिया, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे जैसे आप पार पे कर रहे थे, इसके अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, चिंता की कोई बात ही नहीं है। फिर उसी पैसे को हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, उसमें ट्रांसफर कर दिया सेम टू सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था, कोई फर्क नहीं क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम इसमें है ही नहीं। दूसरा क्वेश्चन क्लियरली मेंशन कर रहा था कि इस बार जो हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव कर रहे हैं वो किसके साथ कर रहे हैं, शेयर अलॉटमेंट के साथ कर रहा हूं। मैंने पहले समझाया कि आप किसके साथ उसे रिकॉर्ड करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम को, शेयर अलॉटमेंट के, अब ड्यू एंट्री के साथ रिकॉर्ड होने वाला। आप एंट्री देखिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000, 6 रुपए मांगा गया 60,000, कोई फर्क नहीं। लेकिन यहां पर जब हम उसे ट्रांसफर कर रहे हैं मतलब हम उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं कि भैया कितना शेयर कैपिटल के नाम पर क्रेडिट करें और कितना हम सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम पर क्रेडिट करें। आप ध्यान से देखिए, मैंने कल भी ये बात कहा था, शेयर कैपिटल ऑलवेज रिप्रेजेंट द फेस वैल्यू पार्ट, ये जो 4 रुपया है ना वो 6 रुपए में से 4 रुपया फेस वैल्यू पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और 2 रुपया प्रीमियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर 2 रुपए प्रति शेयर प्रीमियम आ रहा था। क्वेश्चन ने साफ बोला है कि वो प्रीमियम किसके साथ रिसीव हो रहा है, अलॉटमेंट के साथ हो रहा है। और ये देखिए, ये जो 2 रुपया है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम को। इसलिए फेस वैल्यू वाला पार्ट हमने कहां ट्रांसफर किया है, फेस वैल्यू वाला पार्ट हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। यह बात हमेशा याद रखिएगा कि शेयर कैपिटल हमेशा अपने फेस वैल्यू ही पार्ट से क्रेडिट होगा। ये जब हम लोग फॉर फ्यूचर पढ़ेंगे तो भी आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां भी मैं इस बात को रिपीटेशंस में लेकर के आऊंगा।
तो क्या किया हम लोगों ने, हमने ये 60,000 को यानी 6 रुपए प्रति शेयर्स को जो 10 से मल्टीप्लाई होकर के आया है उसको दो भागों में बांटा। हमने कहा इक्विटी शेयर कैपिटल में चले जाओ कितना, जो फेस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 4 रुपया 10,000 इंटू 4 करके हमने 40,000 कहां भेज दिया, हमने शेयर कैपिटल अकाउंट में भेज दिया, और बचा हुआ जो 2 रुपया था वहीं पर हमने 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में 10,000 इंटू 2 कर दिया 20,000। एकदम सिंपल, बिल्कुल भी सिंपल है, बस आप समझ के चलेंगे तो बिल्कुल ही सिंपल है, इसमें कोई भी टफ नहीं है। एंट्री कहां रिकॉर्ड करी हमने, ड्यू एंट्री के साथ करी, जहां शेयर कैपिटल वहीं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्वेश्चन साइलेंट था, नहीं, क्वेश्चन क्लियरली आपको मेंशन कर रहा था यहां पर कि आपको किसके साथ रिसीव करना है, आपको अलॉटमेंट के साथ करना, हमने अलॉटमेंट के साथ कर दिया। क्वेश्चन साइलेंट होता तो भी अलॉटमेंट के साथ करते, क्वेश्चन अगर एप्लीकेशन के साथ कहता तो एप्लीकेशन के साथ करते, क्वेश्चन अगर फर्स्ट कॉल के साथ कहता तो फर्स्ट कॉल के साथ करते। अब इस पैसे को रिसीव किया जा रहा है, पैसा रिसीव करने की एंट्री जैसे पहले आपने करी थी वही होगा, यानी 60,000 जो आपने मांगा वो आपको मिल गया, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम की रिकॉर्डिंग आपने सिर्फ और सिर्फ उसके ड्यू एंट्री के साथ यहां पर रिकॉर्ड करके दिखा दिया। तो यह था सिक्योरिटी प्रीमियम। अब इसके बाद जो बच गया है लास्ट में हमारे पास एक फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसकी एंट्री बिल्कुल सेम होगी जैसे आपने पहले करा था। सिक्स में जो हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री है बिल्कुल पहले जैसे जैसे हम लोग कर रहे थे उसी तरीके से करेंगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपए बच गए थे, वो 3 रुपए कंपनी ड्यू करती है और वो कंपनी को रिसीव भी हो जा रही है, यानी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और 30,000 से उसने ड्यू भी कर लिया और उसके बाद से उस पैसे को वो रिसीव भी कर लिया, यानी इस एंट्री में कोई भी फर्क नहीं है। तो ये था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ आपका सिक्योरिटी प्रीमियम के सहित अगर क्वेश्चंस में आ जाए। हम आगे क्वेश्चंस के अंदर ऐसे भी सिक्योरिटी प्रीमियम के क्वेश्चंस करेंगे जिसमें शायद एप्लीकेशन के साथ भी आपके सिक्योरिटी प्रीमियम आ रही है, आपके अलॉटमेंट के साथ भी सिक्योरिटी प्रीमियम आ रही है और आपके कॉल्स के साथ भी सिक्योरिटी प्रीमियम आ रही है। उन क्वेश्चन के जाने से पहले आप इनका प्रॉपर रिविजन्स करके रखिए, क्योंकि जब तक आप रिविजन्स नहीं करेंगे जो नए नए कॉन्सेप्ट हम लोग इसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे आपको समझने में तकलीफ आएगी। इसलिए वीडियो को रोक करके या फिर आप रिविजन्स करके तभी आगे प्रोसीड किया कीजिए।